अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मुझे उम्मीद है कि सारे एकदम अल्लाह के फजलो करम से सारे एकदम ठीक है। अच्छा, वो सॉरी, क्योंकि वो पता नहीं क्या मसला बन गया था, कनेक्शन ख़त्म हो गया था ऑटोमेटिकली। तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक तो गोल था, सेटिंग टेक्निक थी उसकी। तो तीसरे नंबर पे जो एक पॉइंट था, वो था हमारा स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल क्या है, वो चीज़ को डिस्कस करते हैं, जबकि स्मार्ट की अब्रिविएशन क्या है, इसे स्टैंड फॉर क्या बनता है। तो देखिए, गोल्स पे हम बात कर रहे थे, तो स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं आपके, उसको करते हैं ऐसे बनता है आपका स्पेसिफिक, आपका कोई एक खास, आपका कोई एक सिग्निफिकेंट, आपका कोई एक खास गोल होना चाहिए, कोई गैर ज़रूरी नहीं होना चाहिए, कोई भी अपने टॉपिक के रेलिवेंट नहीं गोल्स होना चाहिए, आपका एक मीनिंगफुल गोल होना चाहिए, आपका मेजरेबल गोल होना चाहिए, जिसको आप कंप्लीट कर सकें, आपका अटेनेबल होना चाहिए, आपका एक्शन ओरिएंटेड गोल होना चाहिए, आर से क्या बना, आपका रेलेवेंट गोल्स होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ट्रैकेबल होना चाहिए। तो स्मार्ट गोल की एग्जांपल देखिए, देखें स्मार्ट गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है, आपका एक ऐसा गोल होना चाहिए जिस पे आप स्मार्ट गोल को इम्प्लीमेंट कर सके। इस तरह का गोल नहीं होना चाहिए कि मैं जी इस साल पूरे साल में मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, हर कंट्री जाऊंगा, हर सिटी जाऊंगा। तो आपका कोई एक गोल ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको अपने ही कंट्री में चंद एक सिटी को देखना है, उनका टूर करना है। तो कोई एक देखिए, एक मेजरेबल है, एक स्पेसिफिक है। ये तो नहीं कि आप पूरे साल में आप पूरी दुनिया का चक्कर काट सको, पूरे साल आप भागते रहो, तो कोई एक ये कोई खास स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो आपकी मज़ीद टिप्स कौन सी हैं आपको गोल को सेट करने के लिए? आपका बी स्पेसिफिक, आप प्रिसाइज करें गोल्स को, पुटिंग करें डेट्स, अपने डेट्स एंड टाइम में पुट करें कि आपने इस डेट तक आपने ये काम करना ही करना है, तो तब आपकी अचीवमेंट हो सकेगी। अपनी प्रायोरिटाइज को डिफाइन करें, आपकी नंबर वन प्रायोरिटी कौन सी है, नंबर टू प्रायोरिटी कौन सी है, उसके बाद आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते जाएं, अपने गोल्स को राइट डाउन करें, उन पे फोर्स करें, उन पर उनको टाइम दें और फिर उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो अपने गोल्स को स्मॉल हिस्सों में डिवाइड करें, फिर अपॉर्चुनिटी व रिवार्ड्स आपको मिलते जाएंगे, आपके रिजनेबल गोल्स होने चाहिए, आपके एज अ एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, आप मीडिया के तौर पर आप सोसाइटी का क्या किरदार आप अदा कर रहे हैं। तो ये आपकी कुछ टिप्स हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपकी स्मार्ट गोल में कुछ लोग गलतियाँ ये करते हैं, या तो इंतहाई ज़्यादा रख लेते हैं, या टू बिग गोल, या कुछ ऐसे गोल रखते हैं जो स्पेसिफिक ही नहीं है, अपने गोल्स को लिखते नहीं है। तो ये इन चीज़ों को देखना है आपने, ठीक है? तो आपकी एक एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी, तो आपको पता है ना, हर एक लेक्चर के एंड पे आपकी एक एक्टिविटी होती है। तो आज ही अपने कॉपी पे, अपनी डायरी पे, अपनी पेंसिल से लिखना शुरू करें कि आपके कौन से गोल हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, या स्पेसिफिक तो नहीं, जो भी हैं आप उनको एरियाज आप इम्प्रूवमेंट करें और उन पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। तो सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुश पाश रखे। तो आप मज़ीद इंशाल्लाह, हमारा ये एक सीरीज़ चल रही है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के नाम पे, जिसके अंदर हमारी बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें आएंगी। तो आप सुनते रहें, अगर आपको जिस टॉपिक की नहीं समझ आती तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, तो उस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेंगे। तो सब खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।